Hey guys, good evening from Bengaluru. आज आप देख सकते हो मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में हम लोग नहीं है, एकदम अपना बेड पे बैठे हुए आराम से। आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग का एक काफी बड़ा हम लोग का लंबा राइड होने वाला है, लाइफ का सबसे बड़ा राइड है ये। उसके लिए कुछ कुछ प्रिपरेशन जरूरी होता है, सबको जरूरी होता है राइड के पहले। छोटा मोटा राइड के लिए छोटा मोटा प्रिपरेशन जरूरी होता है, बड़ा राइड के लिए बड़ा प्रिपरेशन जरूरी होता है। जिसके लिए मुझे कुछ लगा ये सब चीज शेयर करने से आप लोगों को भी आसान रहेगा। अगर आप लोग लॉन्ग राइड का प्लान कर रहे हो, मैं क्या क्या सामान खरीदा हूँ लॉन्ग राइड प्रिपरेशन के लिए, वो डिस्कस करते हैं। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। सो गाइस, हम लोग काफी दिनों से हम लोग बहुत सारा चीज एक एक करके खरीद रहे हैं और थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी कर चुके हैं। अभी ये जो पार्ट्स है, ये है एक टूल किट जो 46 पीसेस सॉकेट के साथ आता है। ये काफी लॉन्ग राइड के लिए काफी जरूरी है। आपको पता नहीं है बाइक का कब पार्ट, कौन सा पार्ट कभी ढीला पड़ जाए, कोई भी बाइक हो, चाहे रॉयल एनफील्ड हो, चाहे KTM हो, चाहे BMW हो, होता है, कभी कभी हो ही जाता है। तो इसके लिए ये वाला चीज बहुत जरूरी है। तो चलो इसको ओपन करता हूँ। एक्चुअली मैं पहले भी ओपन करके रखा था। तो ये एक ऐसा पैकेट के साथ आता है, उसके बाद एक प्लास्टिक का बॉक्स है। तो इसमें लिखा रहता है 46 पीसेस, तो 46 पीसेस इसके अंदर टूल है। तो चलो इसको ओपन करता हूँ एंड हम लोगों को दिखाता हूँ। ये इस तरीके का कुछ आता है जिसके अंदर 14 mm तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 mm टू 14 mm तक बॉक्स पहना रहता है। बॉक्स पहना कुछ इस तरीके का दिखता है। सारी चीज आपको मिल जाएगा इसमें, स्क्रू ड्राइवर से लेके एलन की सेट से लेके बॉक्स पैनर तक सब कुछ इसके अंदर ही आ जाएगा। एंड ये टॉर्क रेंच आपको मिलेगा उसके साथ साथ। टॉर्क रेंच जो है काफी इफेक्टिव है, टाइट देने के लिए बहुत इजी रहता है हम लोगों के लिए भी। और ये एक कम्पैक्ट पैकेट के साथ आता है, इसके लिए मुझे बहुत पसंद आया। और कम्पैक्ट के अंदर सब कुछ मिल जाता है आपको जो भी चाहिए बाइक के लिए। मैक्सिमम KTM के साथ और रॉयल एनफील्ड के साथ थोड़ा बहुत टूल तो आ ही जाता है, वो बड़ा बड़ा स्पैनर वो तो रहता ही है बाइक के साथ, तो उसके लिए जरूरी नहीं है। मेन प्रॉब्लम होता है छोटा मोटा चीज का, तो ये इजीली अवेलेबल मिल जाएगा एक जगह के अंदर। तो ये था, इसका नाम कुछ है 46 पीसेस सॉकेट सेट बोल के लिखा है। कुछ ब्रांड नेम वगैरह इसमें कुछ है नहीं, मैं ये अमेजन से परचेज किया था। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका प्राइस मुझे लगा था 750 rupees। तो चलो इसके बारे में तो डिस्क्राइब कर दिया, अभी आता हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट में। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं और एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग लॉन्ग राइड तो करते हैं, बहुत लंबा भी जाते हैं, काफी 800, काफी 1000, काफी 1200 भी जाते हैं। हम लोग के दिमाग में हमेशा टेंशन रहता है बाइक है तो भाई पंचर हो गया तो क्या करेंगे यार, आगे क्या सोचेंगे, आगे पंचर स्टेशन, पंचर बूथ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। ऊपर से ऐसा भी नहीं सिर्फ एम्प्टी बाइक है, लगेज रहता है, स्लिपन्ना भी रहती है मेरे साथ, तो धक्का देने के लिए अगर सोचेंगे तो भाई उधर ही मुझे लगता है ट्रिप में ही नहीं जाएंगे, ये कंडीशन रहता है। तो इसके लिए मैं उसको प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉल्यूशन निकालने के लिए ये चीज परचेस किया हूँ जो है पंचर रिपेयर किट। ये कुछ ऐसा बॉक्स में आता है, अमेजन का पैकेजिंग के साथ आता है, इस तरीके का कुछ बॉक्स में आता है। अभी जो आगे का राइड करने वाला वो होने वाला है KTM 390 के ऊपर, तो ऑब्वियसली KTM 390 आता है ट्यूबलेस टायर के साथ, तो मेरे लिए ये एक फायदा चीज है। तो मेरे को बाइक को व्हील निकाल के टायर ट्यूब चेंज करने का जरूरत नहीं है। रॉयल एनफील्ड होता है तो थोड़ा टेंशन रहता है, फिर भी हमेशा मैं कोशिश करता हूँ व्हील में मैक्सिमम जो कैपेसिटी है एयर प्रेशर रखने के लिए। बोला जाता है, माना जाता है एयर प्रेशर अगर आपका बराबर है तो पंचर होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो फिर भी मैं सेफ्टी पर्पज के लिए ये चीज खरीद लिया हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है खरीदने का एंड ट्यूबलेस टायर का भी ऑप्शन है, तो मुझे लगा ये चीज खरीदना हम लोग के लिए, हम दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलो इसके अंदर क्या क्या चीज है मैं दिखाता हूँ आप लोगों के साथ, डिस्क्राइब भी करता हूँ कैसे क्या करना है, वो भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करने का कोशिश करता हूँ। सो ये प्रोडक्ट का नाम है टायर ऑयल जो आता है ऐसा ब्रांडिंग के साथ TW5001, आपको अमेजन से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है मैं थोड़ा बताता हूँ। सो इसके अंदर बहुत सारा सामान है, मैं एक एक के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। फर्स्ट जो है ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स व्हाइट कलर का है, पता नहीं व्हाइट कलर क्यों दिया है भाई, पंचर रिपेयर भी करना है व्हाइट कलर भी रहेगा तो क्या फायदा। देखो अभी तक पंचर भी नहीं किया हो, कुछ भी नहीं किया हो, उसमें भी येलो कलर का पैचेस आ गया, जाने दो इसको क्या करना है, अभी दे दिया तो क्या कर सकते। उसके साथ ऐसा कुछ आता है, ये जो पार्ट है इसके अंदर इसको डाल के हम लोग पंचर हुआ है जो प्रेस में हुआ है वो प्रेस को डालने के लिए ये वाला पार्ट है। और एक चीज है ये वाला पार्ट, अगर पंचर आपका छोटा है पता नहीं चल रहा है एंड ये घुसाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये वाला पार्ट, तब इसको थोड़ा होल्ड करने के लिए है। ये 10 पंचर रिपेयर स्ट्रिप दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, इधर 5 है और इधर 5 है, टोटल 10 है। एक
चौक दिया है येलो कलर का इजिली मार्क करने के लिए, एक नोज प्लायर दिया है अगर कुछ फंस गया है आपका टायर में, मान लो कील वगैरह, तो उसको ऐसे पकड़ के निकालने के लिए, एक पंचर रिपेयर सॉल्यूशन दिया है अगर पंचर रिपेयर जो स्ट्रिप है उसके ऊपर ये सॉल्यूशन डाल के उसको पंचर रिपेयर करने के लिए, और एक दिया है कटर अगर एक्सेस पार्ट है ये स्ट्रिप का एक्सेस पार्ट को कट करने के लिए। काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये भी, और इसके साथ साथ ये इसका कुछ पार्ट दिया, पता नहीं है किसका है, जो हमारा व्हील में रहता है उसको कवर करने के लिए, कभी कभी गायब हो जाता है ना, तो उसके लिए फोर मिला है। टायर ऑयल पंचर रिपेयर किट का जो प्राइस है, मैं अमेजन से ऑर्डर किया था, इसका प्राइस कुछ है 449 रुपीज़ में मिला है। इसमें कुछ ऑफर वगैरह था जो भी रहता है अमेजन से मिल जाता है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। और उसके साथ साथ मेरे साथ पहले से था ये वाला टायर इन्फ्लेटर MI का, ये वाला काफ़ी इफेक्टिव है अगर एयर प्रेशर कम हो जाता है उसके बाद इसको प्रेशर फिर से बरकरार रखने के लिए, ये वाला चीज़ ज़रूरी है। इसमें से आप इजीली सेट कर सकते हो कितना PSI चाहिए, 30, 31, 32, जस्ट सेट करने के बाद ये मिडिल वाला बटन जस्ट प्रेस करने ऑटोमेटिक एयर आपका टायर में आ जाएगा। ये मैं काफ़ी साल पहले खरीदा हूँ, लगता है एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले, इसका प्राइस मुझे तब कुछ लगा था 2200 रुपया, 2200 रुपीज़। सो अभी पता नहीं, अभी शायद थोड़ा ज़्यादा है, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर इसका डिटेल्स वगैरह अपडेट करता हूँ आप लोगों को। लॉन्ग राइड का मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स है कम्फर्टनेस, मेरा तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन शिपरना को देखो, जो पिलियन रहता है ना, मेरे ख्याल से जो बाइक चलाते हैं उससे भी ज़्यादा उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पीछे कंटिन्यूसली बैठे रहना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है भाई, ये बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत पेशेंस लगता है, ऊपर से अगर बैक पेन हो रहा है, ऊपर से पिछवाड़ा दर्द हो रहा है, वो तो बहुत मुश्किल होता है, वो पूरा सफ़र कंप्लीट करने के लिए बहुत झेलना पड़ता है। तो इसके लिए ये चीज़ जो है ये है सिपड़ने के लिए, ये है एयर सीट, कुछ ऐसा पैकिंग में आया है, ऐसा वाला पैकेज है उसका, उसके साथ कुछ सामान है, ये सब है, इसके बारे में एक एक डिटेल्स में डिस्क्राइब करता हूँ। तो पहले एयर सीट दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा फ्रंट में है एंड बैक में कुछ ऐसा है, जिसमें आप आई मीन राफ सरफेस है, जो आपका सीट है, बाइक का सीट है, बाइक का सीट के ऊपर फ्रिक्शन कम करने के लिए ये रखा है। अगर बाइक का सीट आपका स्लीपर ही काफ़ी ज़्यादा है तो फिसलने का चांसेस कम करने के लिए ये वाला राफ सरफेस है, मैं यूज़ करने वाला हूँ KTM 390 एडवेंचर के लिए। सो इसके साथ जो जो पार्ट आया मैं एक एक डिस्क्राइब करता हूँ। इसके साथ आया है दो स्ट्रैप, अरे यार ये क्या है दो ऐसा स्टेप आया है, तो 390 का पीछे का जो सीट ओपन होता है उसके अंदर आराम से जा सकते हैं, और इसको कुछ ऐसे लगाना है। सो ये है हुक, हुक को इसके अंदर डालना है ऐसे ही, एक हुक इधर लगेगा, एक ठीक क्रॉस में लगाना है इसको ये, और एक हुक इधर लगेगा ऐसे, फिर सेकंड जो है स्ट्रिप के लिए सेम प्रोसीडर है, ऐसे क्रॉस में फिर ऐसा, सो कुछ ऐसा रहेगा ये वाला, और ये जो पार्ट है बाइक का जो सीट है, बैक सीट है, उसका नीचे आ जाएगा, एज बिकॉज KTM का पीछे का जो सीट है काफी हार्ड है, एंड मेरे ख्याल से वो सीट आई मीन जो लोग भी पेलियन के साथ राइड करते हैं उन लोगों को पता है ये कंपलसरी चीज़ है, चाहिए, क्योंकि काफ़ी हार्ड है सीट एंड सस्पेंशन भी काफ़ी स्टिफ है, तो इसके लिए ये सीट सिपोना को थोड़ा कंफर्ट देगा मेरे ख्याल से लॉन्ग राइड के लिए। तो इसके लिए ये वाला सीट हम लोग खरीदे हैं। उसके साथ रहता है ये वाला पार्ट जिसमें से आप ईयर डाल सकते हो, इसको जस्ट इधर ऐसे सेट करना है, ऐसे डाल दिया बस, और ये जो नॉब है नॉब को थोड़ा बस ऐसे प्रेस करना है, बस आपको जितना ईयर चाहिए उतना तक ईयर प्रेस होने के बाद यहां पे एक नॉब लगता है, ये नॉब को मैं टाइट कर दूंगा, ऐसे करके घुमा के टाइट कर दिया एंड इसको रिमूव कर लिया, तो सीट जो है
बन गया। आपको जितना यार्ड चाहिए आपका मुताबिक आप यार्ड डाल सकते हो। और अगर आप यार्ड भरना नहीं चाहते हो तो उसके लिए और एक ऑप्शन है, मोटर दिया गया है, इसमें आप पानी भी डाल सकते हो, इसके अंदर पानी भी डाल सकते हो। तो आपका चॉइस है आप कैसे करना चाहते हो। तो मैं तो फिलहाल यार्ड ही डालूंगा, यार्ड डाल के देखूंगा कैसे कंफर्टेबिलिटी है। उसके ऊपर हम लोग अगर कम्फर्टनेस थोड़ा कम महसूस हो रहा है तो मैं वाटर डाल के ट्राई करूंगा। सो ये जो कंपनी है ये है बीबीजी बाइकिंग ब्रदरहुड ग्रुप जो है उसका उसका साइट से आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो। लेकिन मैं इसको अपना बेंगलोर में जेसी रोड है वहाँ पे एक शॉप है फेवरेट, तो वहाँ से मैं परचेज किया हूँ, तो थोड़ा ऑफर में भी मुझे मिला है। इसका प्राइस अगर आप लोग ऑनलाइन में खरीदना चाहते हो तो इसका प्राइस है 2999, मतलब 3000 रुपीज़। मुझे ये ऑफर प्राइस में थोड़ा डिस्काउंट मिला है तो मुझे अच्छा ही लगा एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी है। मैं बहुत सारा यारशीट में अमेजन में ट्राई किया, अमेजन में देखा हूँ, यूट्यूब में भी देखा हूँ, लेकिन ये जो यारशीट है काफ़ी कंफर्टेबल है। श्रीपर्णा बाद में ये जो यारशीट के बारे में प्रॉपर रिव्यू है वो श्रीपर्णा दे पाएगी, वो आफ्टर राइड के बाद ही आपको पता चल जाएगा, हमारा जो राइड होने वाला है उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग हम लोगों के साथ बने रहिए। सिर्फ इसके लिए नहीं, अब काफी अच्छा ब्लॉग भी आने वाले, काफी अच्छे वीडियोस भी आने वाले, उसके लिए बने रहो। सो और एक चीज जो लॉन्ग राइड के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है लगेज सेटअप। लगेज सेटअप के लिए ऑलरेडी हमारा ब्लॉग में प्रीवियस वीडियो है, बहुत सारा वीडियो है, देख सकते हो KTM 390 के ऊपर। आप लोग अगर हम लोग का पुराना सब्सक्राइबर हो तो आप लोग ऑलरेडी पता है हम लोग लगेज सेटअप के लिए पैनियर यूज करते हैं, हार्ड पैनियर जो रॉयल एनफील्ड का है, जो हम लोग KTM में भी यूज करते हैं एंड हमारा रॉयल एनफील्ड में भी यूज करते हैं, रॉकी एंड रैम्बो दोनों में यूज करते हैं। KTM 390 का नाम है, रॉकी में रखा हूँ। जो लोग न्यू हम लोग का ये वीडियो के थ्रू कनेक्ट हो रहा हूँ उन लोगों के लिए जानकारी दे देता हूँ। एंड जो रॉयल एनफील्ड का बाइक है उसका नाम है रैम्बो, तो शॉर्ट फ्रॉम रॉकी इज फॉर KTM एंड रैम्बो इज फॉर रॉयल एनफील्ड। रॉकी के लिए हम लोग ऑलरेडी लगेज सेटअप के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो आई बटन में आ रहा है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। सो और एक उसके साथ साथ हम लोग अभी इस बार हम लोग डिसाइड किया है ये रॉकी के लिए स्पेशली हम लोग टॉप बॉक्स कैरी नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सोचा है एक टेल बैग जो है ट्राई करेंगे, टेल बैग ट्राई करेंगे, देखते हो क्या होता है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग महाराष्ट्र सीरीज करके आए हैं टेल बैग के साथ, मुझे हम लोग को काफी कंफर्टेबल लगा। सो हम लोग प्रीवियस जो टेल बैग है वो यूज करते थे रॉयल एनफील्ड का, ये टेल बैग है जो है ये यूज कर रहे हैं, काफी कंफर्टेबल है, काफी हैंडी भी है एंड काफी सारा सामान भी इसके अंदर आ जाता है, जरूरत का जो भी सामान है इसके अंदर आ जाता है। लेकिन इसका सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो वाटरप्रूफिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, मेरा जो टैंक बैग है टैंक बैग का जो कवर है उसको मैं यूज कर रहा था तो टैंक बैग का कवर खराब हो जाता है डेफिनेटली। सो इसके लिए मैं सोचा चलो कुछ अपग्रेड तो करना जरूरी है टेल बैग के लिए, तो मैं एक चीज अपग्रेड किया हूँ। ये बैग काफी अभी मार्केट में आया है, न्यू आया है, फुल्ली वाटरप्रूफ टेल बैग है। सो ये है वो टेल बैग। सो देखो ये जो है 30 लीटर का टेल बैग है, इसका कलर कुछ ब्लैक में आता है, इसका बहुत सारा कलर बहुत सारा वैरायटी में आ जाएगा। 2 लीटर से 30 लीटर तक आपको ऐसा बैग मिल जाएगा। देखो काफी देखने के लिए काफी कूल दिख रहा है ये। सो इसमें मैडम ने श्रीपर्णा ने ऑलरेडी उनका सामान वगैरह जो है कपड़ा वगैरह ऑलरेडी है पैक करके रख दिया है। आप लोग ये जो वीडियो देखोगे तो आप लोग शायद लॉन्ग राइड के लिए निकल गए होंगे, सो इसके लिए ऑलरेडी पैकिंग वगैरह भी चल रहा है, उसके साथ साथ मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ये जो है काफी कूल दिखता है, ये फुल्ली वाटरप्रूफ बैग है एंड ये कुछ ऐसा कलर के साथ आता है, ये कुछ ऐसा पैकिंग में आता है और कुछ ऐसा कलर 1, 2, 3, 4 काफी कलर में आता है, 7 कलर में आ ही जाता है ये। एंड ये 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 15 लीटर एंड 30 लीटर तक इसका कैपेसिटी है। तो मैं जो हूँ मैक्सिमम जो 30 लीटर का कैपेसिटी वाला बैग में यूज करने वाला हूँ। एंड ये इसका कुछ जीप वगैरह नहीं है, इसको पैकिंग करने के लिए जस्ट आप सामान डंप करो इसके अंदर जो भी सामान है, बस उसके बाद इसको वाटरप्रूफिंग के लिए जस्ट 3 फोल्ड करो, 1, 2 एंड 3, उसके बाद उसको इधर अटैच कर दो। सो आपका बैग रेडी है, पंचिंग बैग जैसे दिखता है लेकिन है नहीं, काफी इफेक्टिव है बैग है, फुल्ली वाटरप्रूफ है एंड इसके साथ 2 स्ट्रिप भी आता है, ऐसा 2 स्ट्रिप में भी आता है, तो इसको स्ट्रिप को भी आप यूज कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो। सो इसको एज ए बैकपैक भी आप लोग यूज कर,
कर सकते हो अगर आप लोग ट्रेकिंग कर रहे हो, एज ए बैकपैक इसको यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ वाटर एक्टिविटी कर रहे हो, आपका फोन वगैरह पर्स वगैरह आप अगर पानी में जा रहे हो, काइकिंग कर रहे हो मेनली, मेरे को तो प्रॉब्लम होता है काइकिंग के लिए, गोवा में जब जाता हूँ तब ये सब बैग बहुत मिस कर रहा था मैं, ये बैग मैंने सोचा पहले क्यों नहीं था मेरे पास। तो बैग हाइकिंग कर रहे हो तो 2 लीटर 3 लीटर का भी बैग्स मिलता है, आप अगर चाहते हो तो देख सकते हो। मैं अमेजन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग खरीद सकते हो आपका जो कैपेसिटी चाहिए उसके मुताबिक। सो ये काफ़ी सारा चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारा जो लॉन्ग राइड का प्रिपरेशन देख रहे हो चल रहा है, काफ़ी सारा चल रहा है, तो ये जो लॉन्ग राइड होने वाला है इसके बारे में थोड़ा बहुत गेस कर लो कहाँ हो सकते हैं, कॉमेंट सेशन में भी बताओ कहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। ये है हमारा लाइफ का सबसे लॉन्ग राइड, मैं बार बार बोला ये है हमारा लाइफ का सबसे लॉन्ग राइड। एंड ये बैग के बारे में तो मैं बताते थोड़ा बहुत अधूरा रख गया। ये बैग का प्राइस कुछ है 700 ही है, ओनली 700 रुपीज़ है, 699 रुपीज़ में मुझे ये बैग मिला है। आप लोग अगर चाहते हो तो मैं अमेजन में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, बैग का डिटेल्स वगैरह भी डाल देता हूँ, आप लोग अमेजन से परचेस कर सकते हो। तो ये जो था हमारा जो ओवरऑल लॉन्ग राइड जाने वाला है उसके लिए नया कुछ सामान, नया जो शॉपिंग हम लोग के लिए शॉपिंग यही सब है, कपड़ा वगैरह तो नहीं आता है हम लोग का, सच में बोल रहा हूँ। हमारे लिए राइडिंग क्या रहे वो हमारा कपड़ा है, एंड ये सब शॉपिंग चलते रहते हैं हम लोग का। बस मुझे लगा ये सब शेयर करना जरूरी है आप लोगों के साथ, अगर आप लोग लॉन्ग राइड प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये सब जुगाड़ करना, मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होने वाला है। और मैं ये ब्लॉग में ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ, तो आप लोगों को ये ब्लॉग अगर वैल्यूएबल लगा तो जरूर एक लाइक करके हम लोग को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारा चैनल के थ्रू कनेक्ट हो रहे हो, जाके चैनल को देखो, व्यू करो, विजिट करो, हमारा चैनल काफी सारा लॉन्ग राइड किए है ऑलरेडी, तो अगर पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करके जाओ। दैट्स ऑल फॉर द डे, अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के साथ, तब तक के लिए आप लोग गेस करो एंड कमेंट में बताओ कहाँ पे जाने वाले हैं हम दोनों। तो चलो तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।